अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन ऑनलाइन क्लास ऑफ बीएससी बॉटनी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज लास्ट सेक्शन ऑफ आर बुक प्लांट सिस्टमैटिक्स। तो उसमें हम इंट्रोडक्शन के हवाले से पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर वन, इंट्रोडक्शन टू प्लांट सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक बॉटनी को डिफाइन किया है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अ साइंस of identifying, naming and classifying the plants. Actually, it is a broad branch of biology in which we identify the plants by their naming, or हम उन्हें नाम देते हैं, उनके scientific names उनको identify करते हुए कि वो किस class से belong कर रहे, कौन सी family से हैं, उनकी classification करते हैं। तो ये पूरी जो सिस्टमैटिक्स, ये पूरी जो ब्रांच है उसे हम सिस्टमैटिक बॉटनी कहते हैं। बेसिकली सिस्टमैटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो इसके थ्रू आप किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नंबर टू, इसके ज़रिए से आप जो है वो सिमिलैरिटीज़ फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में, कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, फिर उसी की बेस पर जो है वो हेल्प मिलती है हमें उसे क्लासिफाई करने में। ठीक है, तो इसी तरह से एक जो सिस्टमैटिक्स से क्लोजली लिंक टर्म है, डेट इज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी इज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड टैक्सिस, डेट मीन अरेंजमेंट्स, एंड नॉमस मीन लॉ और रूल। यानी इसका मतलब हुआ कि लॉफुल अरेंजमेंट है या अरेंजमेंट है ऑर्गेनिज्म की बाय रूल्स, ठीक है, तो वो टेक्सोनॉमी कहलाती है। तो टेक्सोनॉमी में बेसिकली हम ज़्यादातर नेमिंग देते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, और सिस्टमैटिक्स में हम जो है वो आइडेंटिफाई, नेमिंग, क्लासिफिकेशन, तीनों प्रोसेसेस देखते हैं। लेकिन टेक्सोनॉमी के अंदर हम एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ठीक है, एम्स और ऑब्जेक्टिव की बात करें कि यह सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी क्यों स्टडी की जाना शुरू हुई, तो बेसिकली हमने जैसे कि सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पर प्लांट्स को जो है वो सेपरेट किंगडम प्लांटी में रखा, फिर उनमें भी आगे बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हुए जिसकी बेस पर क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई उन प्लांट्स की। जो सिमिलर थे उन्हें एक ग्रुप में, एक क्लास में रखा गया, एक फैमिली में, जो डिफरेंट थे उन्हें सेपरेट रखा गया। तो प्लांट टैक्सोनॉमिस्ट जो है उसका बेसिक मकसद ये है कि वो प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सके, उसको साइंटिफिक नेम दे सके जो नोमेनक्लेचर के रूल्स के मुताबिक हो, और उनकी क्लासिफिकेशन की जा सके ताकि उन्हें साइंटिफिक मैनर में आसानी से स्टडी किया जा सके। ठीक है, तो बेसिक एम ये था टैक्सोनॉमी को स्टडी करने के लिए। फिर प्लांट टैक्सोनॉमी का एक और एम भी है, दैट इज़ टू प्रोवाइडिंग अ कन्वीनियंट मैथड फॉर क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि लोकल एरियाज में जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, लोकल लोगों से कम्युनिकेट करते हुए उन प्लांट्स के को आइडेंटिफाई किया जाए, और उसके लिए फिर कन्वीनियंट मेथड प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, अब कन्वीनियंट मेथड का मतलब ये है कि पहले से ही आपने सारी जो है टर्म्स एंड रूल्स जो हैं वो सारे अरेंज किए हुए हों, उन रूल्स और टर्म्स के अकॉर्डिंगली आप प्लांट्स को आइडेंटिफाई करके उनके साइंटिफिक नेम जो है वो उन्हें दे दें। अब प्लांट टैक्सोनॉमी जो है उसमें बेसिकली फाइव ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर वन, टू इन्वेंट्री द वर्ल्ड्स फ्लोरा, कि फ्लोरा कहते हैं प्लांट्स को, तो जितनी दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं उनकी इन्वेंट्री बनाई जाए, उनकी एक लिस्ट बनाई जाए कि ये प्लांट जो है वो यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह से आप इन्हें रीजन वाइज भी बना सकते हैं, जैसे पाकिस्तान के फ्लोरा की जो इन्वेंट्री है वो आप सेपरेटली बना लें, अमेरिका के फ्लोरा के अलहदा से बना लें, इंडिया के फ्लोरा के अलहदा से। तो ओवरऑल हर एक इलाके के अगर फ्लोरा आपको पता होगा प्लांट्स के बारे में, तो ओवरऑल वर्ल्ड फ्लोरा की इन्वेंट्री जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हम मेथड प्रोवाइड करें ताकि आइडेंटिफिकेशन की जा सके प्लांट्स की, कम्युनिकेशन हो सके। फिर नंबर थ्री जो है वो प्रोड्यूस किया जाए एक यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो सबके लिए सेम हो, किसी भी रीजन में जहाँ भी प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं उन पे वही सिस्टम जो है वो एप्लीकेबल हो। टू डिमॉन्स्ट्रेट एट द एवोल्यूशनरी इम्प्लीकेशन, टैक्सोनॉमी मैंने आपको बताया हम एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड जरूर स्टडी करते हैं,
इन प्लांट्स का पिछले ग्रुप के प्लांट से एवोल्यूशन के हवाले से क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज है, क्या रिजेम्बलेंस है, वो सब चेक किया जाता है, इनका रिलेशन। फिर टू प्रोवाइड अ सिंगल लैटिन साइंटिफिक नेम, ठीक है, साइंटिफिक नेम दिया जाए प्लांट को एक ही, जो चाहे उसके साइंटिस्ट के नेम की बेस पर हो, चाहे उस जगह के नेम की बेस पर हो जहाँ से उसे फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया गया, या उसके किसी करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर हो, लेकिन लैटिन वर्ड में ही नाम दिया जाए, लैटिन लैंग्वेज में, क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है, इसमें चेंजेस के चांसेस जो हैं वो नहीं होते, ठीक है। तो इसमें एक और बात भी है कि जो प्लांट्स की नेमिंग की जाए वो हर किस्म के प्लांट की जाए, चाहे वो एक्सटिंक्ट हो चुका है या वो अभी भी प्रेजेंट है, हर किस्म के प्लांट को जो है वो साइंटिफिक नेम दिए जाए। फिर इसमें क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन एक्चुअली प्लांट अरेंजमेंट ही है जो कि डिफरेंट ग्रुप्स में होती हैं और उनके सेम करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, उन्हें हम एक सिस्टम में अरेंज कर देते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि इसमें हम रिकॉग्नाइज करते हैं प्लांट के स्पेशल करेक्टर्स को, जैसे हम फ्लावर्स देख लें, फ्रूट देख लें, लीफ, स्टेम, ठीक है, जैसे आप हर्बेरियम की में हर्ब्स की कलेक्शन करते हैं तो हम यही देखते हैं ना कि उसके लीफ की शेप किस तरह की है, फिर उसमें फ्लावर किस तरह का है, अगर फ्रूट है तो वो किस तरह का है, स्टेम कैसा है, ठीक है। इसके थ्रू आप क्लियर कट आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये वाला प्लांट है, ठीक है। स्पेशली फ्लावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। नॉमनक्लेचर टेक्सोनॉमी का वो एस्पेक्ट है जिसमें ज़्यादातर जो है वो हम नेम्स देते हैं, साइंटिफिक नेम, ठीक है, टू टेक्सा इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमनक्लेचर। ये एक नॉमनक्लेचर बनाने का रूल्स इन्होंने दिए थे, इंटरनेशनल कोड्स ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर कोड है, कोड जिसके थ्रू आप जो है वो नेम देते हैं हमेशा किसी भी प्लांट को। और टेक्सोन क्या है, टेक्सोन जो है वो बेसिकली एक रैंक है टेक्सोनॉमिक ग्रुप में, जैसे स्पीशी, जीनस, फैमिलीज, आपने स्टार्ट किया था किंगडम से, स्टार्ट होता है किंगडम, फिर डिवीजन, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी, तो ये सारे जो हैं ये टेक्सोन कहलाते हैं, जिसके जो के अपने करेक्टरिस्टिक फीचर की बेस पर एक दूसरे से सेपरेट किए जाते हैं, यूनिक वाले अलग होते हैं, ठीक है। तो टेक्सोन की जो डिस्क्रिप्शन है वो बेसिकली उसके फीचर्स और मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को रेफर करते हैं हम उसमें, तो वो जो फीचर्स और मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स हैं उन्हें हम टेक्सोनॉमिक करेक्टर्स का नाम देते हैं, जिसकी बेस पर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो। जैसे हम कहते हैं कि स्टेम हर्बेशियस है, स्टेम वुडी है, लीफ सिंपल है, या पिनेटली कंपाउंड है, या ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है उनमें, रेटिकुलेट विनेशन, ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये एक्चुअली टेक्सोन में करेक्टरिस्टिक्स फीचर जो है उनके वो एक्सप्लेन कर रही होती है, इन्हें हम टेक्सोनॉमिक करेक्टर्स कहते हैं, जिसकी बेस पर हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं। अब प्लांट टेक्सोनॉमी का स्कोप क्या है, प्लांट टेक्सोनॉमी में बेसिकली ये वो फील्ड है जिसका हर एक दूसरी फील्ड से जो है वो रिलेशन है, लिंक है, जैसे पैथोलॉजी से है जिसमें हम जर्म्स को स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई वगैरह को, फार्माकोलॉजी से जिसमें मेडिसिन प्रोडक्शन होती है, फिर मॉर्फोलॉजी से इसका बहुत लिंक है जिसमें हम एक्सटर्नल एनाटॉमी, एक्सटर्नल फीचर स्टडी करते हैं, एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर फीचर स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे हुई, कौन से सेल्स हैं, एम्ब्रियो की स्टडी है, पैलेनोलॉजी में हम पोलन ग्रेन की स्टडी करते हैं, साइटोलॉजी में सेल की, और इसी तरह एवोल्यूशन है जिसमें हम बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करते हैं, जेनेटिक्स जिसमें जीन की स्टडी, और ज्योग्राफी जिसमें हम अर्थ की स्टडी करते हैं, अर्थ को की ग्राफिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो प्लांट एक्जोनॉमी में आते हैं, कि प्लांट एक्जोनॉमी का इन सब ब्रांचेस के साथ कोई ना कोई लिंक है, अगर ये यानी ये सब एक दूसरे से को रिलेटेड है। फिर प्लांट एक्जोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल एग्रीकल्चर में है, हॉर्टिकल्चर में है, और फॉरेस्ट्री में। एग्रीकल्चर तो आपको पता है जिसमें हम डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं, हॉर्टिकल्चर में हम ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं जो कि हम ऑर्नामेंटली जो है यूटिलाइज कर सकें सजावट के लिए उनको, लेकिन इसके अलावा हम क्रॉप्स की प्रोडक्शन भी इसमें ले आते हैं, फॉरेस्ट्री में फॉरेस्ट की प्रोडक्शन है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टेक्सोनॉमी, इसी तरह से इकोलॉजिस्ट के पास भी टेक्सोनॉमी का लिंक होना चाहिए, ताकि वो ये पता उसे पता होगा
कि ये वाले प्लांट का नाम क्या है, फॉर एग्जांपल यूकलिप्टस है, उसको उसके फीचर्स का पता है, तभी वो कह सकेगा ना, उसको इन्वायरमेंट में अप्लाई इम्प्लाई कर सकेगा, वो ये चेक कर सकेगा कि किस इन्वायरमेंट के लिए कौन सा प्लांट जो है वो सूटेबल है, जिससे प्लांट जो इन्वायरमेंट है वो स्टेबल हो सके, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना, वो बहुत सारे इकोलॉजिस्ट के लिए भी टेक्सोनॉमी का नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर फॉरेस्टेशन जब हम करते हैं कि किस तरह की ज़मीन पर किस तरह के प्लांट्स फॉरेस्ट बनाने में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो जल्दी ग्रो कर जाएंगे, जो सूटेबल ग्रोथ जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हम इसके लिए भी ज़रूरी है। फिर पैलियंटोलॉजी यानी कि फॉसिल की स्टडी के लिए, उसका लिंक भी प्लांट टेक्सोनॉमी से, क्योंकि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी आ जाती है, आइडेंटिफिकेशन भी आ जाती है, ठीक है। हिडन फॉसिल्स इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे GIS का नाम देते हैं और रिमोट सेंसिंग का नाम देते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका लिंक भी है टेक्सोनॉमी के साथ कि आप GIS टेक्निक्स के थ्रू किसी भी एरिया का जो फ्लोरा है उसे स्टडी कर सकते हैं, या रिमोट सेंसिंग के थ्रू कितना कवर है, मतलब कितने प्लांट्स वहाँ पे उस एरिया में मौजूद हैं। और ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू आप इमेजेस बना सकते हैं फ्रॉम अ वेरी हाइट से इमेजेस बनाकर आप स्टडी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी प्लांट टेक्सोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ओवरऑल हर जगह पर, चाहे आप हर्बेरियम स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप बुक स्टडी कर रहे हैं, जर्नल्स लिख रहे हैं, गार्डन्स में, हर जगह पर जो है वो प्लांट एक्सोनॉमी जो है उसकी स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। ये जो जर्नल इंट्रोडक्शन था, जिसमें हम सिस्टमेटिक टेक्सोनॉमी, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, और जर्नल उसका हमने लिंक स्टडी किया बाकी ब्रांचेस के साथ। अब जो है वो चैप्टर टू, दो ही चैप्टर हैं इस सेक्शन के, इसके अलावा एक जो है वो क्लासिफिकेशन से रेलिवेंट है और एक प्लांट नोमेनक्लेचर है। दोनों ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दोनों चैप्टर्स में से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो और हमारे यही दो लास्ट चैप्टर रह गए इस बुक के, वो ख़त्म हो जाएगी, और हमारे पास 2 ही डेज़ हैं, कल फ्राइडे है और इसके अलावा सैटरडे है, ठीक है। तो जो हमारा फ्राइडे का लेक्चर है वो प्लांट नोमेनक्लेचर से रेलिवेंट होगा, ठीक है। प्लांट नोमेनक्लेचर में अगर आप देखें तो बेसिकली ये, इसमें हम प्लांट्स को साइंटिफिक नेम जो है वो असाइन करते हैं, ठीक है। तो ये नोमेनक्लेचर कहलाता है। नेम्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और ठीक है, आपको जाहिर सी बात है, हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना हो तो हम उसके नेम्स ही बुलाते हैं ना, कि ये है नेम। तो नेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेम्स अब कॉमन नेम भी हो सकते हैं, प्रॉपर नेम भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नेम भी हो सकते हैं, कलेक्टिव नेम भी हो सकते हैं, यानी किसी भी लिहाज से जो है वो नेमिंग की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारी जो ऑर्गेन इंडिविजुअल प्लांट्स को स्टडी कर रहा होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो नेम किस लिहाज से देता है। फॉर एग्जांपल वो कोई करेक्टर की बेस पर दे देता है, वो अपने नाम के ऊपर दे देता है, वो उस प्लेस के ऊपर दे देता है जहाँ से उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, तो वो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है नेमिंग। अच्छा, इसका इन्फ्लुएंस जो है वो लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, इनसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बेसिकली नेम्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब नेम्स, हमने कॉमन नेम्स की बात की है, तो प्लांट जो है वो इन्यूमरेबल हैं, यानी हम उसको काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे प्लांट्स हैं, हर एक प्लांट का जो है वो कॉमन नेम्स है, बल्कि बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स हैं, दो या दो से ज़्यादा, जिनके कॉमन नेम सेम हैं, ठीक है। तो ये फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, आपको डिफ़िकल्टी होती है प्लांट्स के बारे में नॉलेज इकट्ठा करने में, या फिर आपको मुश्किल होती है कि आप प्लांट्स जो हैं वो उनको आइडेंटिफाई कर सकें। फिर कॉमन नेम जो है वो लैंग्वेजेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, जिस एरिया की जो लैंग्वेज होगी उसका उसी लैंग्वेज के अंदर कॉमन नेम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कॉमन नेम्स जो है वो फ्रीक्वेंटली लोकल हैं, यानी लोकल नेम्स होते हैं ये, ठीक है, हम इनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कन्फ्यूजन इसमें रहती है, ठीक है, जब हम प्लांट्स पे ये अप्लाई करते हैं नेम। तो इन नेम्स को हम कॉमन नेम भी कहते हैं, इनको हम लोकल नेम्स का नाम भी देते हैं, इनको हम वर्नेक्यूलर नेम भी कहते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल नेम्स हैं कॉमन नेम्स के फर्दर।
अच्छा, इसके बाद हम जैसे यहाँ पर देखते हैं कि एक पैंसी एक है प्लांट, वायोला ट्राई कलर इसका नेम है, साइंटिफिक नेम। ये यूरोप और अमेरिका गार्डन में ग्रो होता है। 50 इसके डिफरेंट इंग्लिश कॉमन नेम्स हैं, ठीक है। फिर हर एक कंट्री में इसका अलग ही लैंग्वेज के हवाले से नेम होगा। इसी तरह मैंगो जो है, मैंगी फिरा इंडिका, उसके भी 50 डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। वो फिर कॉमन नेम्स, इसका मतलब उनकी जो यूजेज है या जो उनकी थ्रू आउट द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, ओवरऑल सबको ही ओवरऑल इफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। मिसलीडिंगनेस जो है, या इनएडुकेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? नंबर वन, बॉटनिस्ट जो है वो प्रेफर करते हैं हमेशा लैटिनाइज साइंटिफिक नेम, लैटिन लैंग्वेज में नेम हो एज़ कम्पेयर टू कॉमन नेम्स, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे नंबर वन, कॉमन नेम यूनिवर्सल नहीं होते। हर एक लैंग्वेज का अपना एक कॉमन नेम है, वर्ल्ड वाइडली, बल्कि एक रीजन में भी ये सेम अप्लाई नहीं होते। जैसे पाकिस्तान में हाइबिस्कस एस्कुलेंटस यानी भिंडी जो है कहा जाता है उसको, जबकि इंग्लैंड में उसको लेडी फिंगर कहते हैं, ठीक है। इस तरह और हर एरिया में इसके डिफरेंट नेम्स होंगे। फिर कॉमन नेम्स जो है वो हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती अबाउट जेनरिक एंड फैमिली रिलेशनशिप, नहीं बताती। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी फैमिली का जीनस हम स्टडी करें, सोलनम, ठीक है, तो अब उस जीनस में जितने भी प्लांट्स आएंगे वो क्लोजली लिंक्ड होंगे। जैसे सोलनम ट्यूबरोसम, सोलनम मेलनजेनस, सोलनम नाइग्रम, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक ही जैसे प्लांट्स हैं। फिर इनके इनका रिलेशन इनकी फैमिली के साथ भी है, फैमिली सोलेनेसी है इसी जेनरा के नेम के ऊपर। तो करेक्टरिस्टिक फीचर रिजेंबल करते हैं हर एक फैमिली के, हर एक जेनरा के, तो इनका रिलेशन है। फिर प्लांट जो हैं, दीज आर वेल नोन एंड दे हैव अ डजन्स ऑफ कॉमन नेम्स। फॉर एग्जाम्पल, क्राइजेंथिमम डेजी प्लांट जो है, उनको वाइट डेजी भी कहते हैं, ऑक्साइड डेजी भी कहते हैं, शास्ता डेजी भी कहते हैं, वाइट वीट भी कहते हैं। वह प्लांट एक ही है, इतने सारे उसके नेम हैं, ठीक है। सम टाइम टू और मोर प्लांट्स की सेम नेम भी आ जाते हैं। जैसे हमने कहा सीडा मालवेसी फैमिली का मेंबर है, इसका कॉमन नेम आयरन वीड है जॉर्जिया में, और मिड वेस्ट में वेरोनिका कंपोजी फैमिली का मेंबर है, उसको भी आयरन वीड ही कहा जाता है, ठीक है। फिर बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो रेयरली ग्रो की हुई होती हैं और उनके कॉमन नेम्स नहीं होते, ठीक है। जबकि बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जिनमें साइंटिफिक नेम जो है वो हम दे देते हैं स्पीशीज़ को, और वो यूनिवर्सल होती हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम्स की बात करें तो साइंटिफिक नेम एक्चुअली हम अप्लाई करते हैं प्लांट्स को, और वो मेथड जिसमें साइंटिफिक नेम प्लांट्स को दिया जाता है उसे नोमेनक्लेचर कहते हैं। ये एक रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है नेम। तो ये रूल्स किसने दिए थे? इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस ने सबसे पहले ये अडॉप्ट किया था कि साइंटिफिक नेम दिए जाने चाहिए। बॉटनिस्ट ने फिर जो है वो क्लासिफाई किया प्लांट्स को, ठीक है। फिर टेक्सोन्स में डिवाइड किया। फिर बॉटनिस्ट एग्री हुए कि साइंटिफिक नेम लैटिन में ही होना चाहिए हमेशा, क्योंकि ये ज़्यादा कंट्रीज़ में ये लैंग्वेज यूज़ नहीं होती, इट इज़ अ डेड लैंग्वेज, ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, फिर अब जो है वो वाइडली यूज़ नहीं होती। हाँ, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होती रही है यूरोपियन कंट्री में, इसलिए इसमें लिटरेचर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो इसमें जो है वो साइंटिफिक नेम दिए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन चेंजेस के चांसेस कम है। लैटिन नेम जो है वो फिर कॉमन नेम से ही लिया जाता है, ठीक है, जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में यूज़ हो रहा था, जैसे रोम वगैरह में। फिर एक सिंगल नेम जो है वो हम इसमें देते हैं, जो कि आगे फर्दर डिपेंड कर रहा होता है उसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स के ऊपर, या फिर प्लेस, या फिर साइंटिस्ट नेम के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा जो है, अगर समटाइम नेम्स जो है वो तीन या तीन से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बना हो तो हम इसे पॉलीनोमियल का नाम देते हैं। जैसे सेलेक्स पिटमिला ऑगस्टी फोलिया, ये तीन नेम है, तीन वर्ड्स हैं, विलो का साइंटिफिक नेम है ये, ठीक है। फिर 1753 में लीनियस नेम जो है वो बेसिकली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल दिया था। अपनी बुक थी उसकी स्पीशीज प्लांटेरम, जिसमें उसने कहा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली दो नेम्स जो हैं वो दिए जाएं प्लांट्स को, एक जेनरिक नेम हो और एक स्पीशी नेम हो, जिसे स्पेसिफिक नेम भी कहते हैं।
और ये लैटिन में ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो टू नेम्स वाला फिर कॉन्सेप्ट था, ये माना गया वर्ल्ड वाइड, और अभी भी जो है ये यही एप्लीकेबल है, ठीक है। अब साइंटिफिक नेम की कंपोजिशन क्या है, जीनस नेम है और स्पेसिफिक एपिथेट है, दोनों बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दिए जाते हैं, ठीक है। कंप्लीट साइंटिफिक नेम जैसे वाइट ओक कर्कस एल्बा, कर्कस उसमें जीनस है, एल्बा जो है उसमें स्पीशी नेम है, ठीक है। स्पेसिफिक एपिथेट, और एल जो आगे लिखा है, एल का मतलब है कि ये लीनियस ने दिया था इसको नेम, तो ये लीनियस के नाम पर है, ठीक है। वो साइटेशन दे दी जाती है, इसे ऑथर साइटेशन कहते हैं कि जिस ऑथर ने ये नेम दिया है उसके नाम का पहला वर्ड जो है वो लिख दिया जाता है। जेनरिक नेम की बात करें तो जेनरिक नेम सिंगल नेम होता है, लैटिनाइज्ड है, नाउन और वर्ड कोई भी हो सकता है जो नाउन के तौर पर हम ट्रीट करते हैं, हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, लिखते हम कैपिटल लेटर में है, ठीक है। और अगर बार बार ये जेनरिक नेम यूज़ हो रहा हो एक पैराग्राफ के अंदर, तो हम पहली बार उसको फुल नेम लिखेंगे, बाद में हम जेनरिक नेम को शॉर्ट करके, ब्रीफ करके, एब्रीवेट कर देंगे। जैसे कर्कस के लिए हम क्यू का वर्ड यूज़ करेंगे और आगे डॉट लगा देंगे कि ये वही चला रहा है कर्कस एल्बा, बार बार लिखने की फिर ज़रूरत नहीं होती कर्कस को, ठीक है। फिर बहुत सारे हैं इसके अलावा नेम्स जिनमें दो नाम इकट्ठे, दो वर्ड्स इकट्ठे जुड़े होते हैं, यानी दो वर्ड्स होते हैं जेनरिक नेम में, फिर हम क्या करते हैं वहाँ बीच में हाइफन लगा देते हैं, ठीक है। जेनरिक नेम, अब मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि ये पर्सन की नेम के ऊपर भी हो सकता है जिसने उसे आइडेंटिफाई किया है, ये प्लेस की बेस पर भी हो सकता है। तो जैसे अगर हमने जेनरा दिया है लीनिया, तो लीनिया का मतलब है कि लीनियस ने इसको फर्स्ट टाइम जो है वो आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। स्पेसिफिक एपिथेट की बात करें तो स्पेसिफिक एपिथेट जो है एक्चुअली ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर बता रहा होता है स्पीशीज़ के बारे में, ठीक है। और ये भी इसी तरह किसी ऑनर, किसी पर्सन के ऑनर में या फिर कॉमन नेम से डिराइव करते हुए जो है वो रख दिया जाता है। तो ये हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, और अगर दो वर्ड्स हों तो हम उन्हें हाइफन से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑथर साइटेशन की बात करें तो वो पर्सन जो के इंडिकेट कर रहा है इस प्लांट को, जिसने स्टडी किया, जिसने हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन जो है वो सारी कलेक्ट की है प्लांट के बारे में, तो वह हम उसका नेम लिख देते हैं, ऑथर साइटेशन होती है वो। लीनियस के लिए हम एल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से और बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं ऑथर साइटेशन जो है वो हम यूज़ करते हैं। रूल ऑफ नॉमनक्लेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हम देखते हैं कि रूल्स क्या हैं। एक्चुअली ये लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा आता है इस चैप्टर में से, तो हम देखते हैं कि बेसिकली प्लांट्स का नंबर इंक्रीज जैसे से हो रहा है और होता जाता है, तो बॉटनिस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली नोमेनक्लेचर के ऊपर की तरफ मूव हुए कि हर प्लांट को जो है वो साइंटिफिक नेम दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये लीनियस ने प्रपोज किया 1737 में, और अगेन इन 1751 में। फिर एपी डी कंडोले एक साइंटिस्ट था जिसने रूल सेट कर दिए कि ये प्लांट्स के लिए ये रूल्स हैं उनकी नॉमनक्लेचर के लिए। लेटर ऑन वो रूल्स जो हैं वो अब बनाए गए इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमनक्लेचर में, जहाँ पर फिर कहा गया कि भाई ये रूल्स हैं, इनके मुताबिक ही नेम दिए जाने चाहिए। ये जस्ट इनका इंट्रोडक्शन है, आपने बस ये याद रखना है कि रूल्स बनाए गए थे जो एपी कंडोले ने कहा था कि सेट होने चाहिए, और इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली ये रूल्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं, ठीक है। अब इसमें जो पहला रूल, जो बेसिकली रूल्स हैं नोमेनक्लेचर में, उसमें 6 प्रिंसिपल्स हैं, 75 रूल्स हैं और 57 रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है। तो ये रूल्स फिर हम जो है वो इंशाल्लाह स्टडी करेंगे बाद में कल। तो इसको आपने अच्छे तरीके से यहाँ तक कर लेना, इसमें नॉमनक्लेचर और टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच।